Hello, what's up guys? My name is Saeed Ali Rezanakpi and today you are watching my YouTube channel Make Code Easier. तो ओके गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट के बारे में बताया था. तो लिस्ट टैग के हवाले से एक और टैग भी आता है, वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट. तो आज हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को कंप्लीट करेंगे कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होता है वो क्या होता है और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं. तो ओके गाइस, मैं बताना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होती है हम उसे डी एल से शो करते हैं. डी से आता है डिस्क्रिप्शन और एल से आता है लिस्ट, और इसी को हम क्लोज करेंगे. इसी को हम डी एल से क्लोज करते हैं और इसके अंदर हमारे पास दो टैग और भी होते हैं. तो और तो जो दो टैग होते हैं जो इसके अंदर हम दो टैग और लगाते हैं, तो उसके अंदर एक और आता है, उस टैग का नाम होता है डी टी. डी टी जो होता है ये होता है डी से आता है डिस्क्रिप्शन और टी से आता है टर्म्स, तो डिस्क्रिप्शन टर्म्स. और इसी को ही हम फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज करते हैं डी टी. डिस्क्रिप्शन टर्म्स के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो उसके लिए हेडिंग बन जाता है. और इसी तरह हमारे पास इसके साथ इसके अंदर एक और फिर टैग आता है डिस्क्रिप्शन टैग के बाद, वो होता है डी डी. डी डी जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब, आप कह सकते हैं डी डी. तो इसी को फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम क्लोज करते हैं. तो ओके गाइस, हम मैं बताना चाहूँगा अब इसे हम रियल कोडिंग में यूज़ करते हैं. तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसे रियल में यूज़ करता हूँ. तो ये मेरे पास पहले वाला ही कोड है, HTML का बेसिक सेंटेक्स लिखा हुआ है और ये ज़रूरी होता है. और हम बेसिक सेंटेंस में बॉडी में लिखेंगे, हेड में नहीं लिखेंगे. हेड में लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, तो ब्राउज़र पे दिखाई दे इसलिए हम उसे हेड में लिखते हैं. तो यहाँ पे मैं उसी चीज़ को पेस्ट करता हूँ. तो यहाँ पे मैंने बताया है डी एल. डी एल से आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट. डी टी यानी डिस्क्रिप्शन टर्म्स. तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो उसके लिए हेडिंग हो जाएगी कुछ भी. जैसे मैं लिखता हूँ हेडिंग, तो ये है उसके लिए हेडिंग हो जाएगी. और डी डी जो होगा वो होगा डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब. तो इसके लिए मैं एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लेके रखा हुआ है, मैं इसी को ही कॉपी कर देता हूँ. ये लोरियम इप्सम का है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ डी डी में. यहाँ पे ले आया और को अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस दबाता हूँ, सेव करता हूँ. तो आप अब देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है, ये जो डी डी लिखा है डिस्क्रिप्शन टर्म्स वो उसके लिए हेडिंग बन गया है. और ये जो डी डी है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब है. तो यहाँ से लेके ये डिस्क्राइब कर रहा है. तो इस तरह इसी तरह मैं करके इसी चीज़ को ही मैं दोबारा से अगर कॉपी कर लूँ तो आपको दिखाना चाहता हूँ. इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसे दोबारा से मैं कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट करता हूँ और इसे मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे. इसे थोड़ा मैं रिमूव कर देता हूँ. तो ये रिमूव कर लिया, अब कंट्रोल एस दबाऊंगा तो आप देखेंगे ये इसके लिए दूसरी हेडिंग बन जाएगी. इसे मैं टू लगा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और आप देखेंगे ब्राउज़र. तो देखा ये हेडिंग हो गई इसकी डिस्क्रिप्शन, ये दूसरी डिस्क्रिप्शन. और ये डी टी में लिखेंगे हेडिंग जो है और ये डी डी में लिखेंगे. तो इस तरह हम इसे यूज़ करते हैं. तो ओके गाइस, मैं आज की वीडियो में बस इतना बताना चाहता था. नेक्स्ट वीडियो में आगे जाके हम देखेंगे इमेज टैग हो गया, वीडियो टैग हो गया और टेबल के बारे में हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना रखते हैं, आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़.